प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने दो त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियां हैं उसमें कोण 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 समरूपता कसौटी, इसी तरह से कोण कोण समरूपता कसौटी और भुजा 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 समरूपता कसौटी कर ली है। अब हम अपनी जो फोर्थ कसौटी है, जो अंतिम कसौटी है हमारी, वो अब हम करेंगे, वो है भुजा कोण भुजा कसौटी। यानी कि अगर हम बात करें तो अभी तक हमने ए ए ए ये कसौटी की है, कोण 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 ए एंगल के लिए है, इसी तरह से ए ए एक ये कसौटी की है और इसी तरह से एस 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 एक ये कसौटी की है। अब हम जो कसौटी करेंगे वो है एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये हमारे पास परिमेय 6.5 है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुजें समरूप होते हैं। तो यहाँ हमें हमारे पास क्या दे रखा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है और उस कोण को जो बनाने वाली भुजाएं हैं वो समानुपाती हैं, तो दोनों त्रिभुजें कैसी होंगी, समरूप होंगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहले क्वेश्चन जैसा है, तो हमने थोड़ा सा समय बचाने के लिए इसको पहले ही लिख लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुजें दी हुई है, एक हमने एबीसी दे ली और एक डीईएफ, ठीक पहले की तरह से। इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है, तो हमने कोण ए और कोण बी को बराबर मान लिया। दूसरी बात, इस कोण को कौन सी भुजाएं बना रही है, ए बी और ए सी, तो यहाँ पे डी ई और डी एफ, तो ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ, तो ये हमने ले लिया क्योंकि ये समानुपाती थी। तो एक कोण बराबर था और उसको कोण को बनाने वाली भुजाएं कैसी थी, समानुपाती थी, ये हमारे पास दिया हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ की। अब देखो, त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, त्रिभुजों की समरूपता के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, या तो हम तीनों कोण बराबर कह दें, तीनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी कि ए ए ए समरूपता नियम लग जाएगा, या हम तीनों भुजाएं समानुपाती दिखा दें तो फिर भुजा 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 समरूपता नियम लग जाएगा, या अगर हम दो कोण बराबर दिखा दें उससे क्या होगा कि दो कोण बराबर हो गए तो तीन कोण बराबर हो जाएंगे और तीन कोण बराबर हो जाएंगे तो ए ए ए समरूपता का जो नियम है वो लग जाएगा। अब यहां से देखो, यहां पे हमें सिद्ध करना है कि दो त्रिभुजें आपस में समरूप है, तो रचना ठीक उसी तरह से हमने क्या किया, डी पी ए बी के बराबर ले लिया और डी क्यू ए सी के बराबर ले लिया और पी क्यू को मिला दिया। अब यहां पे अब हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू की बात करते हैं। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी पी क्यू में देखो, आप ए बी तो डी पी के इक्वल है, ए सी डी क्यू के इक्वल है और कोण ए कोण डी के इक्वल है, ये देख रखा था, ये ऊपर वाले दोनों रचना से है। अब देखो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरी त्रिभुज की दो भुजाएं उनके बीच के कोण के बराबर है, तो इसलिए जो दोनों त्रिभुजें हैं कौन कौन सी, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी पी क्यू कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम हो जाएंगी, कैसी हो जाएंगी, सर्वांग सम, यानी कि इनके सभी अंग समान है, तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर होगी और तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर होगी। आपको सर्वांग समता और समरूपता के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब यहां से, अब क्योंकि ये सर्वांग सम है तो कोण ए कोण बी के बराबर है, तो वैसे भी दिया हुआ था, तो कोण बी कोण कोण बी कोण पी के बराबर है इन दोनों त्रिभुज में, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, कौन सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू। अब कोण बी और कोण पी बराबर है और कोण सी और कोण क्यू बराबर है, तो एक हमारे पास ये सेट बन गया कोणों का जो आपस में बराबर है। अब इसी तरह से आप दोबारा देखें, हमारे पास दिया हुआ क्या था, ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ, तो ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ ये आपस में बराबर है,
यहाँ से हम क्या कहाँ पहुंचेंगे कि पी क्यू समांतर है ई एफ के, जैसे कि हमने अपनी पिछली 6.4 थ्योरम में किया था, इसमें हमने भुजा 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 समरूपता कसौटी को सिद्ध किया था। तो ए बी बटे में डी ई और ए सी बटे में डी एफ ये ले लिया हमने जो दिया हुआ है। अब ए बी तो किसके बराबर है, डी पी के, डी ई ऐसे लिखा, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के, डी एफ ऐसे लिख दिया। अब इसको उल्टा कर दिया, डी ई को ऊपर लिख दिया और डी पी को नीचे लिख दिया, डी एफ को ऊपर लिख दिया और डी क्यू को नीचे लिख दिया। देखो डी ई कैसे बना होगा, डी पी प्लस पी ई, और डी एफ कैसे बना होगा, डी क्यू प्लस क्यू एफ। तो यहाँ पे लिख दिया डी ई की जगह पे लिख दिया डी पी प्लस पी ई बटे में डी पी, और डी एफ की जगह पे लिख दिया डी क्यू प्लस क्यू एफ, ये लिख दिया। अब इसके बटे में ये अलग कर दिया और इसके बटे में ये अलग, इसके बटे में ये अलग और इसके बटे में ये अलग कर दिया। डी पी बटे में डी पी कैंसिल होकर वन आ गया, डी क्यू बटे में डी क्यू कैंसिल होकर वन हो गया, और यहां से हम इस वन को भी कैंसिल कर देते हैं। तो पी ई बटे में डी पी, पी ई बटे में डी पी और क्यू एफ बटे में डी क्यू, ये हमने लिख दिया। एक बार फिर इसका विलोम कर दिया, तो डी पी बटे में पी ई और डी क्यू बटे में क्यू एफ। यहाँ पे ये हमने जो पिछली थ्योरम में किया था बिल्कुल सेम उसी स्टेप पे चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो डी पी बटे में पी ई, डी पी बटे में पी ई और डी क्यू बटे में क्यू एफ, डी क्यू बटे में क्यू एफ। तो त्रिभुज डी ई एफ में जो भुजाएं हैं वो समानुपाती है, समान अनुपात में है, इसका मतलब पी क्यू क्या होगा, समांतर होगी इसके ई एफ के, पी क्यू समांतर है ई एफ के। अब देखो पी क्यू अगर ई एफ के समांतर है तो दो रेखाएं या रेखाखंड है और ये एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो कोण पी और कोण ई बराबर होंगे, कोण पी का मतलब कोण डी पी क्यू से है और कोण ई का मतलब डी ई एफ से है। इसी तरह से कोण जो क्यू है हमारे पास कोण एफ के इक्वल होगा, ये हमने लिख दिया। अब आप यहां से देखिए, देखो हमें क्या दिखाना है कि दो त्रिभुज समरूप है। अब दो त्रिभुज समरूप दिखाने के लिए या तो हम इनके पहली त्रिभुज के तीनों कोण दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर दिखा दें, या फिर पहली त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के क्रमशः समानुपाती दिखा दें। अब यहां से देखो हमारे पास क्या होगा कि पी ई कोण पी कोण ई के बराबर है, लेकिन कोण पी तो किसके बराबर था, कोण बी के। तो इन दोनों से कोण बी कोण पी के बराबर है और कोण पी कोण ई के बराबर है, यानी कि कोण बी और कोण ई आपस में बराबर है, ये लिख दिया हमने। इसी तरह से कोण क्यू कोण एफ के बराबर है और कोण सी कोण क्यू के बराबर है, कौन सा दो बार क्यू आ रहा है दो बार में, ये सेम है, यानी कि ये भी सेम है, कोण सी और कोण एफ के बराबर है, और कोण ए कोण डी के बराबर ये तो हमें दिया हुआ भी था, यानी कि हमने क्या दिखा दिया, कोण ए बराबर है कोण डी, कोण बी बराबर है कोण ई और कोण सी बराबर है कोण एफ। तो यहाँ पे हम ए ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार कोण 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 समरूपता कसौटी के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो हमारी त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सी ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ की। तो यहां पे हमारा ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। तो बिल्कुल सेम स्टेप पे, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है, जो हमने पिछली थ्योरम में किया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही है, कोई ज्यादा सा डिफरेंस नहीं है। तो ये थी हमारे पास थ्योरम 6.5 जिसमें हमने दो त्रिभुजों की समरूपता की एस ए एस भुजा कोण भुजा समरूपता की कसौटी को सिद्ध किया। थैंक यू वेरी मच।